Hey guys, काफी वीडियोस में इतनी अर्जेंट डालता हूँ कि आप लोगों के हाथ से अच्छी क्वालिटी और बेस्ट प्राइस कहीं निकल ना जाए, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसी क्वालिटी आती है और काफी कम प्राइस में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक नहीं बल्कि तीन तीन डॉग्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो आप लोग देख रहे हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वालिटी के पिटबुल पपीज है। तो भाई इस ब्रीड को परचेज करने के लिए तो मोस्टली लोग क्रेजी रहते हैं, लेकिन भाई उन्हें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी भी लेकर आया हूं और साथ में काफी अच्छी ब्लड लाइन भी। जी हां गाइस, ये जो पपीज है ना, ये टाइगर ब्लड लाइन है। लेकिन दोस्तों, इनमें आप लोगों को मेल पपीज नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज ओनर के पास ये दो ही पपीज अवेलेबल है और दोनों के दोनों फीमेल्स हैं। एंड साथ में आप लोग इनका कलर देखिए, शेयर कलर बहुत ही प्यारा है, जिसमें से एक है लीला कलर और एक है फाउन कलर। वैसे जो फाउन कलर है ये भाई मोस्टली आप लोगों को एपीपीटी के अंदर मिलता है। वैसे मुझे इन पपीज में अच्छी बात ये लगी कि ब्लड लाइन के होने के बावजूद भी उन्होंने प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखा है। वैसे अगर इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 35 डेज के हो चुके हैं एंड उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है ये वो के जस्ट 8000 पीस, यानी सिर्फ 8000 रुपए, और ये प्राइस सिंगल फीमेल का है। तो गाइस, इन ब्यूटीफुल पपीज के बाद अब बात करते हैं काफी स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। तो ये देखिए गाइस, ये है वो जर्मन शेफर्ड और ये भी एक फीमेल है। और भाई अगर आप लोगों का जर्मन शेफर्ड लेने का शौक है और आप लोगों का बजट नहीं बन पा रहा था तो आप लोग इस फीमेल पपी को परचेज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने इसका प्राइस बहुत ही कम रखा है। आप में से मोस्टली लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो जर्मन शेफर्ड लवर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और इसके भी मम्मी पापा के फोटो वीडियोस आप लोग डॉग ओनर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो भाई जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं और उन्होंने इसके कोट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि कौन से कोट में, तो ये भी आप लोग डिस्कस कर लें। और अगर आप लोग ऐसे कम प्राइस में कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस, अगर इस पपी की एज के बारे में बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 35 डेज के आसपास हो चुकी है एंड उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड किया वो के जस्ट 5000 पीस, यानी सिर्फ 5000 रुपए। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक और काफी तगड़ी क्वालिटी है डॉग के बारे में, जो कि एपीबीटी इनटू पिटबुल है। तो भाई जब मैंने इस डॉग की वीडियो देखी थी तो मुझे लगा था कि डॉग काफी अग्रेसिव होगा, क्योंकि भाई लुक वाइज ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो उसके बाद मैंने डॉग ओनर से डिस्कस भी किया कि भाई इसका टेम्परामेंट कैसा, लेकिन यार ओनर ने शॉकिंग बात बताई कि ये डॉग बिल्कुल ही फ्रेंडली है, चाहे आप लोग बच्चों के साथ ही क्यों ना रख लो। बाकी उनका तो ये भी कहना था कि भाई ये जो पिटबुल है ना, ये गाय है गाय। तो भाई आप लोग इस एपीबीटी को फैमिलीज में भी रख सकते हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इस चीज के ओनर पूरी गारंटी लेते हैं। एंड डॉग जो है ना भाई बिल्कुल यंग है। वैसे उन्होंने मुझे बताया कि 1 ईयर का हो चुका है, वैक्सीनेशन कंप्लीट है, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ऑलरेडी मैटिंग कर चुका है या फिर नहीं, तो इस बारे में आप लोग डिस्कस कर लें। वैसे सिर्फ एक दो मैटिंग में ही आप लोग जितने पैसे इसके ऊपर फिलहाल लगा रहे हो ना, वो सभी रिकवर कर पाओगे। तो अगर बात करें लोकेशन के बारे में तो तीनों डॉग्स एक ही ओनर के पास है और ओनर की जो लोकेशन है वो है गुरुग्राम हरियाणा से। डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही तो डोंट वरी, घर बैठे बैठे भी आप लोग इन डॉग्स को ऑर्डर कर सकते हो। ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो डॉग की क्वालिटी एक्सीलेंट है, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड किया वो किया 10000 पीस, यानी 10000 रुपए। वैसे क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत ही बढ़िया, बाकी फिर भी आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। और एक काम और कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।